सो व्हाट्स अप गाइस, आगे आपका भाई हरकत दरबारी एक नया तड़कता भड़कता वीडियो के साथ। आज मैं ऐसा वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ जो यूट्यूब के हिस्ट्री पे आज तक किसी ने ऐसा वीडियो ना सोचा है कभी, ना ही किसी ने कभी रिएक्शन दिया होगा। आज मैं खुद ही के पुराने वीडियो जो जब मैं रोस्टिंग करता था यूट्यूब पे, उसी वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। प्लस मैं खुद के रोस्टिंग को मैं रेटिंग देने वाला हूँ कि कितना अभी के टाइम में मैं अगर उसको देखूं तो मुझे कितना रेटिंग देने का मन करेगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और उसी कहूं कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में हलकट दरबारी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे कि मैंने वादा किया था वैसे मैं नए मेंबर से मिला। हलकट दरबारी 2.0 चैनल में दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो जल्द से जल्द जाइए और वीडियो को देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट हो चुका है उर्सी जावेदकर जी ने। हालांकि मेरा खुद का वीडियो है लेकिन आज तक मैंने अपलोड करने के बाद ये पहली बार देख रहा हूँ। अरे मम्मी, वो आप आलू की बोरी ढूंढ रही थी ना, वो मिल गई है। पता नहीं उर्फी जावेद कब हमारे घर में आई और आलू की बोरी चोरी करके ले गई और जाके वो ड्रेस बना के पहन के घूम रही है। हाँ हाँ, रील्स बना रही है। सो हेलो एवरीवन, आ गया है आपका भाई हलकट दरबारी फिर से एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले एक फैशन आइकन जिसका नाम है उर्फी जावेद। पता नहीं उसको आइकन का ये जो आइकन वर्ड है वो कौन दिया, लेकिन वो फैशन एक्सपर्ट है, कॉन्फिडेंस वो फैशन आइकन बनी है, उसके ऊपर हम थोड़ा मुद्दा उठाएंगे। चलिए अगर आप चैनल पे नए हुए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको क्या ही बोलूं अभी। यहाँ मधुमक्खी को मधु इकट्ठा करने के लिए फूल मिल नहीं रहा और यह मोहतरमा है कि फूलों का ड्रेस पहन के घूम रही है। अगर मधुमक्खी फूलों से मधु समेटने के लिए आ गई और वो मधु समेटने में सक्षम भी हो गई तो सिर्फ मधु नहीं उसके साथ बहुत कुछ भी समेट लेगी। समझ रहे हो स्क्रिप्टिंग अच्छा ही किया था लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है इसमें। फूलों का ड्रेस तक तो फिर भी ठीक है लेकिन पता नहीं उसके टी शर्ट से क्या जाति दुश्मनी है। जब भी देखो वो वीडियो बनाती रहती है और टी शर्ट को काटती रहती है और वो टी शर्ट को काट के नए नए ड्रेस इन्वेंट करती है। ये बैकग्राउंड का आ गया मेरा। इन्वेंट करती है पर मेरा ये मानना है कि दीदी, अगर आपको टी शर्ट काट के ड्रेस ही बनाना है तो क्यों ना आप नए ड्रेस ही खरीद लेते। खामोखा ये टी शर्ट को काट के टी शर्ट का बदनामी क्यों कर रहे हो। टी शर्ट भी बोलेगा नहीं मम्मी मत दो, मुझे टेलर मिल गया है। अरे ये टेलर नहीं, टेलर से उसका टेलर नहीं, मुझे टेलर मिल गई है अभी, वो काट के मुझको नया ड्रेस बना के दे देगी, हम पहनेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बस इतने में ही खत्म नहीं होती। कभी तो कांच के बैटरी है, कभी फूल, कभी पत्ते, तो कभी फोटोज। हालांकि मेरे पास भी काफी ज्यादा फोटोज है, मेरे पासपोर्ट साइज फोटोज, सोच रहा हूँ मैं भी वो लपेट के कुछ ड्रेस बना लूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि इन्होंने लपेटा नहीं, और ये इलेक्ट्रिक वायर जो इन्होंने लपेटा है, तो मैं विद्युत विभाग से ये आग्रह करना चाहूंगा कि 3 सेकंड के लिए सही थोड़ा विद्युत प्रवाह कर दीजिए इधर, ताकि और ज्यादा फैशन हमको देखने ना पड़े। बुरा नहीं था, अच्छा ही था, मजा तो था भाई। मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ हंसू खेलू बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं आपको क्या। नहीं दीदी मुझे तो कुछ नहीं, पर कहीं आपके लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि आप जो ये फैशन कर रहे हैं, कभी ये जो ब्लेड का फैशन है, ब्लेड का ड्रेस का, तो अभी अगर ब्लेड अगर थोड़ा कट गया तो वो बाद में ये मत बताना कि फैशन के नाम पे ये शहीद हो गए। वैसे भी फैशन के नाम पे शहीद तो कोई हो नहीं सकता, उसके लिए बॉर्डर पे जाना पड़ता है। जैसे कि ये कभी तो कांच लपेट रही है, कहीं तो पेपर लपेट रही है, कहीं तो फोटोज लपेट रहे हैं, और कभी कभार तो ये सस्ता बप्पी लहरी बन रही है, वो भी नाला सुपारे का, और वो नाला सुपारे का बप्पी लहरी बन के ऐसे घूम रही है जैसे कि मानो कि स्वयं बप्पी लहरी ने भेजा है उसको। इतना ताला अगर कोई घर में लगा देता अपना तो चोर कभी नहीं घुसता। इतना ताला इसने अपने गले में लटका के रखा है। तो चले यार हम भी चलते हैं कुछ ना कुछ लपेटने के लिए जो हाथ के सामने मिलता है, और ढूंढते हैं कि क्या मिलता है लपेटने को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसको भी दबाना और क्लिक कर देना, ताकि इस हलकट दरबारी का वीडियो मिस ना हो कोई भी। बुरा नहीं था भाई। और
कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, ताकि हम थोड़ा मोटिवेट हो जाए और थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो बना ले। और आप लोग कमेंट करोगे तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर चाहिए और किसके ऊपर चाहिए। तो चलिए भाइयों हम चलते और एक ड्रेस का इन्वेंट करते हैं। हम भी भाई इन्वेंट करते हैं। चलिए भैया, भाई वो चिप्स का पैकेट फेंकना मत, उसे ड्रेस बनाना है। हाँ भाई चिप्स का पैकेट, क्या बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे ये वाला भी तो मेरे पास था, ये किधर गया? तो फाइनली वीडियो तो खत्म हो ही चुका है, और अगर मैं बोलूं कि वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा था तो ये है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पाप हो जाएगा, पापी गुड़िया आ जाएगा भाई, तातिया बिच्छू आ जाएगा काटने के लिए। तो वीडियो तो वाहियात था, वाहियात रोस्टिंग था, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि उस टाइम स्क्रिप्टिंग अच्छा था, कॉन्फिडेंस का थोड़ा कमी था। लेकिन अगर मैं रेटिंग देने का बात करूं तो अगर दूसरे किसी का वीडियो होता तो मैं 5 में से 3 तो दे देता, लेकिन हालांकि ये खुद का वीडियो है, मैंने खुद के वीडियो पे रिएक्ट दिया है, खुद के वीडियो पे अभी रेटिंग देने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको 4.8 दूंगा। 0.2 मार्क में काट के रख रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में 0.2 दे के मैं उसको फिर से थोड़ा आगे मोटिवेट कर पाऊँ, उसको थोड़ा आगे बढ़ा पाऊँ। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, साइड में बेल वाला आइकन दबा दो, और हाँ जय माता दी ब्रो, और हलकर दबा 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 2.0 में कुछ दिनों से अलग सा तहलका मचा हुआ है। आपने अभी तक अगर नहीं देखा तो प्लीज जाइए, जाके देखिए, मैं लिख के देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। मैं हलकर दबा 2.0 चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।